जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। सो भाई, आज की वीडियो थोड़ी सी संगीत में हो जाए। 500 के नीचे हमने ईयरफोन की वीडियो दी हुई है, 2000 में हमने TWS की वीडियो दी हुई है, नेक बैंड की वीडियो दी हुई है और यहाँ पे हेडफोन की भी वीडियो दी हुई है। लेकिन आज की जो वीडियो है ना, बहुत ही स्ट्रेट और रो टाइप वीडियो होगी। अब ये जैसे ओप्पो एनको M32 कौन सा है, ये यूट्यूबर ना, एक दिन हम लोग नाम भी ना ऐसे ही रखें, ओप्पो एनको वर्ड्स, क्या हाल है, जो नलायक होगा नथिंग। सो ये एकदम लेटेस्ट है, ये भी एकदम लेटेस्ट है और ये भी एकदम लेटेस्ट है। ये वाला भी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, इसको वीडियो में तो लाना बनता था बिकॉज मेरा फेवरेट है। फन फैक्ट ये है कि इस वीडियो में सारे के सारे अच्छे प्रोडक्ट हैं, ये रिकमेंडेड वाले लिस्ट के हैं। बस ये बताऊँगा ये कहाँ स्टैंड करते हैं, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, 5 ऑर्डर करते हैं, 2 बेकार निकलते हैं, पसंद नहीं आते, 3 पसंद आते हैं, 2 पसंद आते हैं, तो वो एक अलग वीडियो हो जाती है, ये एक अलग वीडियो है। मेरे पास माने जाने ब्रांड्स के हैं, काफ़ी पॉपुलर भी होते हैं, एक ही वीडियो में नेक बैंड भी है, बड्स भी है। और मैंने थोड़ा पहले ही बताया हुआ, जिसका बजट 2000 रुपये के आसपास है ना, बड्स बहुत सारे आते हैं, लेकिन जिसको सम हाउ रीज़न कॉलिंग ज़्यादा करनी होती है, नेक बैंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। वहीं मैंने देखा बर्ड्स वगैरह थोड़े कॉस्टली होते हैं, तब उनमें ज़्यादा बेटर क्वालिटी मिलती है, जो लोग आउटडोर मतलब कॉलिंग करते हैं या फिर कूलर के आगे बैठ के बात करते हैं। सो पहला क्वेश्चन भाई, M31 वर्सेस M32 में क्या डिफरेंस है, कौन सा बेटर है, ऐसे सारे पैक होके आते हैं मोस्टली जितने नेक बैंड आते हैं। और दूसरा कलर इसका, पिछले वाले को देखोगे ना, ये चीज़ें छोटी छोटी थी, काफ़ी कंफर्टेबल डिज़ाइन था, बट हाँ इसकी बैटरी कम चलती थी और M32 की बैटरी ज़्यादा चलने वाली है। और मैं चाहूँगा आप डिटेल वीडियो के लिए कुछ वीडियो जरूर देखना फीचर्स के लिए, मैं सीधा ही बताऊँगा। सो M31 वर्सेस M32 का डिज़ाइन काफ़ी अलग है, 2000 रुपये के आसपास प्राइसिंग थी। और वहीं पे जो ये M32 है ना, इसकी प्राइसिंग 1800-1700 ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट यही प्राइसिंग है नॉर्मली। तो दिया क्या डिफरेंस क्या है पता है, बस ये है कि इसकी बैटरी ज़्यादा चलती है और इस बार इन्होंने लाउडनेस भर दिया है काफ़ी ज़्यादा, तो आपको इस बार 60-70% से ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। बेस तो मतलब बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, जो कि एक अच्छे म्यूज़िक की पहचान समटाइम्स नहीं होती, बट 10 में से 9 लोगों को पसंद आता है। और जब बेस ज़्यादा होता है ट्रेबल वगैरह दब जाता है। लेकिन यहाँ पे ओप्पो का ना, अगर आपको नहीं पता, फ़ोन जैसे मर्जी हो, एक अलग दुनिया है उनकी, कुछ फ़ोन अच्छे होते हैं, कुछ फ़ोन थोड़े डाउनग्रेड होते हैं, वो सब होता है ना, लेकिन म्यूज़िक से इनका बहुत तगड़ा कनेक्शन है। तो इसमें ट्रेबल भी बैलेंस है, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन भी काम भर का मिल जाता है, लेकिन जब बेस बहुत ज़्यादा होता है कहीं ना कहीं चीज़ें दब जाती है। लेकिन डेफिनेटली बोट वगैरह के जो आते हैं इस रेट में, उनसे बेटर एक्सपीरियंस देता है भाई। लेकिन स्टिल जिनको म्यूज़िक की समझ ज़्यादा है, उसके लिए M31 आज भी अपने आप में बहुत ही बेस्ट है। और साथ में ये हाई रेज ऑडियो यानी कि LDAC सपोर्ट के साथ आता है। लेकिन इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि हाई रेज ऑडियो हर प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलता, जैसे एप्पल म्यूजिक पे मिलता है, कुछ और प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। नॉर्मली जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, यूट्यूब म्यूजिक, ये बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म होते हैं यूट्यूब पे गाने सुनना, कहीं भी वहाँ हाई रेज ऑडियो का सपोर्ट नहीं है। ओप्पो म्यूजिक डिवाइस कंट्रोल करने के लिए हे मेलेडी ऐप आती है ना, तो इसके अंदर M31 का सपोर्ट मिलता है, जबकि M32 में नहीं मिलता। M31 एकदम बैलेंस म्यूजिक के साथ आता था, एक्स्ट्रा बेस मोड भी मिलता था। सो फॉर मी आज भी M31 विनर है, चाहे वो कंफर्ट हो, थोड़ी बैटरी कम चलती है बट कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी की डेट में ये जल्दी मिलते नहीं है। सो अगर मिल जाए, आपका बजट है, म्यूजिक लवर हो, म्यूजिक की पहचान है, अभी भी M31 अगर यूज़ करते हो तो इसको अपग्रेड मत करें, आपके पास काफ़ी बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर जिसको भाई ये वाला लेने हैं ना, तो ये बुरे नहीं है, बट M31 का अपग्रेड तो नहीं कहूँगा। M31 साइड में करते हैं। लेटेस्ट में ओप्पो M32 वर्सेस OnePlus Bullets Wireless Z2, इसको भी मैं बाहर निकाल चुका हूँ, BTS थोड़ा टेस्ट भी तो ज़रूरी है। इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा है और यस कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो ओप्पो वर्सेज OnePlus दिखने में काफ़ी अलग है, OnePlus वाला थोड़ा ज़्यादा स्लिम है, थोड़ा ज़्यादा मॉडर्न लुकिंग कह सकते हो, ये पसंद के ऊपर है आपके। जो ये OnePlus वाले हैं ना, कंट्रोलर हमें इस तरफ मिल जाता है, बाहर की तरफ काइंड ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा लॉजिकल डिज़ाइन में चला जाता है ये। अगर M32 यूज़ करते हो तो ये इसका कंट्रोलर अंदर की तरफ है। ओप्पो वाला 1700-1800 जितने का मिल जाए आपको, ये वाले 2000 के हैं OnePlus वाले। और इनका म्यूज़िक कैसा है भाई, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों काफ़ी लाउड हैं, दोनों में कॉलिंग में कोई दिक्कत नहीं आती, लाउडनेस काफ़ी अच्छी है, दोनों में आपको ऐप सपोर्ट नहीं मिलता, बैटरी लाइफ भी सिमिलर सा मिलेगा, 30 आवर 28 आवर। तो मैं सजेस्ट करूंगा जो आपको वैल्यू फॉर मनी लगे वो लीजिए, बट अगर एक सिलेक्ट करना हो तो मुझे कहीं ना कहीं OnePlus वाला इन दोनों में थोड़ा बेटर लगता है। 19-20 से विनर है ये, नहीं तो नहीं। साउंड आउटपुट भी इक्वल सही लगता है, बेस लाउडनेस दबा के भरा हुआ है, ट्रेबल वगैरह भी अच्छे से बैलेंस है, बट स्टिल M31 जैसा नहीं। M31 का हाल तो पुष्पा वाला हो रखा है, बट मिल नहीं रहा, तो ये दुख की बात है। ये है ओप्पो एनको बड्स, 1500 के आसपास मिलते हैं। अगर आपको 1500 रुपए के आसपास बजट है और बड्स लेने हैं, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप इसको ले सकते हो।
इसकी मैंने डिटेल्ड वीडियो दी हुई है पहले, हालांकि वो वीडियो ब्रांड के साथ कोलेबरेशन में थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कुछ भी बढ़ा चढ़ा के बताया गया था, इनफैक्ट थोड़ा घटा के बताया था। मुझे तो अच्छे लगे ये, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जो साउंड आउटपुट है, जो कॉलिंग है, सब कुछ बैलेंस हो के आता है ये। तो ज़्यादा डिटेल के लिए वो वीडियो देख लेना। और ये है Realme Buds Air 3, ये एकदम लेटेस्ट आया भाई। और ये है Realme Buds Air Pro, ये 4,500 रुपये के आसपास आया था, पिछले साल आया था ये। अभी की डेट में भाई इसका यूज़ तो अच्छा हुआ, बट ये ख़राब हो चुका है। तो थोड़ा सा और इन्वेस्ट करके नथिंग वाला जो आता है वो भी ले सकते हो, ब्लैक कलर में। नहीं, कलर आपकी पसंद पे है, बट वो ब्लैक वाला थोड़ा कूल लगा मुझे, मेरे पास व्हाइट वाला था। जब मेरे पास आया था उसमें ना थोड़ा सा कनेक्टिविटी के थोड़े इश्यूज थे, बट मैंने अभी तो नहीं है मेरे पास, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन मैंने कुछ लोगों से पता किया, उनका कहना भाई अपडेट्स वगैरह आए थे, बेटर हो चुका है, कमाल का लाइट वेट था, म्यूजिक आउटपुट वगैरह बैलेंस, काफ़ी देर लगाने के बाद भी प्रॉब्लम नहीं होती। ये जितने ब्लूटूथ वाले आते हैं ना बड्स वगैरह, मैंने देखा नेक बैंड की लाइफ ज़्यादा होती है, यहाँ से आपके वायर नहीं टूटते नेक बैंड के। तो वहीं बड्स में क्या होता है, थोड़े दिन बाद या तो एक का काम करना बंद हो जाएगा, वर्किंग एक काम करना बंद कर देगा, एक सही चल रहा होगा, फिर धीरे धीरे खराब हो जाता है। और ऐसा नहीं रियलमी को कह रहा हूँ मैं, मैंने मोस्टली के साथ नोटिस किया ये, बाकी चलने को एक साल से ऊपर भी चलते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लक के ऊपर है। और अभी हमारे पास ये बड्स एयर 3 है। अब बड्स एयर प्रो के कंपैरिजन में ये वाला देखो ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, थोड़ा सा स्टाइलिश भी लगता है भाई, यहाँ पे अलग से ये ट्रांसपेरेंट सा है, इसमें ब्रांडिंग है और सही लग रहा है। प्राइसिंग है इसका 4,000, मैं वेबसाइट पे चेक कर रहा था, रियलमी के 3,500 रुपये का मिल जाएगा, 3,500। सिमिलर सा है यहाँ पे जो फंक्शन है, बट ये ज़्यादा मिनिमल कर दिया है बड्स एयर 3 को। और साथ में एक चीज़ है, इसकी अगर बात करूँ ना, डिज़ाइन बदल दिया इन्होंने। ये है पुराने वाला बड्स एयर प्रो, कितना गंदा हो गया भाई, यूज़ होता है इससे पता लगता था, नए वाला है बड्स एयर 3, स्मॉल साइज़ का हो गया, मिनिमल सा हो गया। बट हाँ, एक चीज़ है, वाइट वाले में ये जो सिल्वर कलर दे दिया है ना, ये मुझे सही बताऊँ पसंद कम आया, नहीं तो साइज़ वगैरह काफ़ी मिनिमल कर दिया, वो मुझे सही लगा। तो इन केस अगर आप लेते हैं तो ब्लू वाला कलर मुझे ज़्यादा सही लगा, बिकॉज वो पूरा एक कलर के साथ आता है। बट वॉट अबाउट आउटपुट, कैसा है? मस्त है भाई साहब, एकदम सही बता रहा हूँ। Realme Link एप्लीकेशन की कनेक्टिविटी मिल जाएगी, जहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन, ट्रांसपेरेंसी मोड, बेस कंट्रोल करना हो, जो भी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो, आपको सारे बटन सेटिंग मिल जाते हैं ना, यानी कि टच कंट्रोल के साथ आता है, तो सारे ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे, इसको कस्टमाइज कर सकते हो आप, और डुअल डिवाइस कनेक्शन भी कर सकते हो। और नॉइस कैंसिलेशन का हाल कुछ ऐसा है कि अगर इसको आप ऑन करके यूज़ करते हो तो भाई, नॉइस कैंसिलेशन एक महंगी प्रक्रिया है, महंगा प्रोसेस है, इस रेट में कितना ही अच्छा मिलेगा, लेकिन जिस रेट में मिलता है ना, अगर आप नॉर्मली लगा के इसको ऑन करते हो, डेफिनेटली आपके रूम में एसी चल रहा है, 3 नंबर तक फैन चल रहा है, ये सारी चीज़ें आराम से कट कर सकता है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो भी ऑन करके मस्त ऑन कर दो, स्टडी पर ध्यान दो, म्यूजिक मत सुनो। बेस जिसको चाहिए, लाउडनेस जिसको चाहिए, भाई भरा हुआ है इसके अंदर। इवन ट्रैवल वगैरह जो इसके अंदर ऑप्शंस मिलते हैं, आप कस्टमाइज करके काफ़ी अच्छे से बैलेंस कर सकते हो। 2-4 बड्स मैंने ट्राई किए हुए 4,000 से नीचे, उनमें बिल्कुल अपने प्राइस को जस्टिफाई करता, अगर आपका मन है तो, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। जैसे मैंने कहा था, सारे रिकमेंडेड है, बस मैं फर्क बता रहा था। तो ये अच्छे प्रोडक्ट थे, कहाँ कौन स्टैंड करता हूँ मैंने बता दिया। आई होप वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।